सांची स्तूपा से बाहर निकलते ही दाईं तरफ आता है ये श्रीलंकन महावधि सोसाइटी द्वारा निर्माणित यह बौद्ध मंदिर, जो क्षेत्रियागिरी बिहार के नाम से जाना जाता है। स्वाधीनता के बाद ये जमीन भारत सरकार ने श्रीलंकन सरकार को उपहार दिया था और इस जमीन के ऊपर बाद में मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का उद्घाटन 1953 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पिछले वीडियो में हम लोग दिखाए थे कि सांची स्तूपा एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। उस पहाड़ को चढ़ने के लिए एक नया रास्ता बनाया गया जिसमें गाड़ी चल सकती है, पर जो पुराना रास्ता है वो सीढ़ी वाला रास्ता है और यही वो पुराना रास्ता है जहाँ से पहले लोग सांची स्तूपा तक आया करते थे। स्तूपा तक आने के लिए हम ऑटो से आए थे, तो जाहिर है कि हम नए रास्ते से आए और अभी लौटेंगे पैदल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये पुराना वाला जो रास्ता है जहाँ से पहले लोग स्तूपा तक आते जाते रहते थे। यह है सांची आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम या फिर पुरातत्व संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना 1919 साल में मशहूर पुरातत्वविद जॉन मार्शल द्वारा हुई थी। भारत की पुरातात्विक खोज में सर जॉन मार्शल का अवदान काफी रह चुका है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खनन कार्य इन्हीं के निगरानी में हुआ था। इस संग्रहालय के एरिया में एक पुरानी हवेली है और ये हवेली ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को रहने के लिए दिया था। यहाँ पे काफी पुराने और बड़े बड़े पेड़ हैं। पुराना बरगद का पेड़ भी है यहाँ। बहुत ही सुंदर जगह है ये। अशोक पिलर का जो लायन कैपिटल होता है वो हम लोग सभी जानते हैं। अशोक पिलर लायन कैपिटल की जो तस्वीर भारतीय करेंसी में हम लोग को देखने मिलता है वो यहाँ से लिया नहीं गया था, वो सारनाथ वाला लायन पिलर कैपिटल है। और सांची का जो अशोक पिलर है उसमें जो लायन कैपिटल है वो यहाँ पर रखा गया है।
अगले वीडियो में उदयगिरी गुफाओं तक का हमारा सफर और गुफाओं के साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है वो दर्शाएंगे।